गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की एक बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल घर में पड़े हुए मसालों से बनेगा, झटपट बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आपने कई तरह से आलू मटर की सब्जी बना के देखी होगी, एक बार इस तरीके से बना के देखो, बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है ये। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 5 मीडियम साइज के आलू, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमने लिया है मटर, मटर को अच्छी तरीके से धो लिया है। आलू को भी छील के छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, तो चलिए फिर से काट लेते हैं। आलू को छील के मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, आप चाहे तो लाल भी ले सकते हैं। प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेना है, अदरक लहसुन को कूट लेना या फिर ग्राइंड कर लेना है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। प्याज को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अदरक लहसुन को कूट लिया है अच्छी तरीके से। इसके लिए लिया है मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर, अगर आपके पास बड़े हो तो आप एक भी ले सकते हो। इसके अलावा लिया है थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता, जीरा, दालचीनी। चलिए गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। गैस ऑन कर लिया हमने, कुकर चढ़ा दिया है, इसे गर्म होने देते हैं। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो गया है, डालेंगे इसमें अपने खड़े मसाले, हरी मिर्च, मसालों को चटकने देते हैं। मसाले हमारे चटक चुके हैं, डाल देते हैं इसमें प्याज, सब्जी में हमने प्याज ज़्यादा डाला है, ग्रेवी हमारी ज़्यादा प्याज की ही बनेगी, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। प्याज के साथ ही इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इससे प्याज हमारा जल्दी गलेगा। प्याज को ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारे थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, कोई पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें अपना कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। कूट के डालने पे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। आप इस तरीके से बना कर देखो, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अभी प्याज हमारा आधा ही भुना है, अब आधा ही हम इसको लहसुन अदरक के साथ भुनेंगे, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। सब्जी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। प्याज हमारा पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भुन चुका है, बहुत सारे सी खुशबू इसकी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अपने मसाले। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बढ़िया आएगा। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मीट का मसाला, कोई भी इस तरीके का एक्स्ट्रा मसाला आपके पास है थोड़ा डाल दो, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। एक छोटा चम्मच हमने डाल दिया मीट का मसाला, क्योंकि मसाले हमने सूखे डाले हैं तो थोड़ा सा जाएगा इसमें पानी, ताकि मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए। मसालों के साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर, एक
दो मिनट तक अच्छी तरीके से मसालों को भुनना है ताकि टमाटर पूरी तरीके से गल जाए, प्याज भी हमारा पूरी तरीके से गल जाए। मसाले में भूनते हुए एक दो मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से गल गया है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें अपने मटर। मसालों के साथ मटर को भी हमें थोड़ी देर तक भूनना है, इससे इसमें मटर मसालों के टेस्ट मटर में अच्छी तरीके से आ जाएंगे, आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक मिनट तक मटर को मसालों के साथ भून लें। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूँ। एक मिनट तक भूनते हैं इसको। मटर हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब डाल देते हैं इसमें अपना आलू। आलू हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया की पत्ती। मिक्स करते हैं इसे। मसाले हमारे भून चुके हैं, डाल देते हैं इसमें पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। गैस की फ्लेम को हाई पर करते हैं। हमें कुकर में इसे सेट नहीं करना है, आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल है, मटर भी हमारे थोड़े भुने हुए हैं। हम इसको किसी ढक्कन से किसी प्लेट से ढक देंगे और इस तरीके से ढक के पकाएंगे, क्योंकि कुकर में सीटी देने पे आपकी सब्ज़ी का वो टेस्ट नहीं आएगा जिस तरीके से इस तरह खुला पकाने में अब आपकी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरीके से बना के एक बार ट्राई करना। तो हम इसे खुला ही बनाएंगे, कुकर में सेट नहीं करेंगे, ढक देते हैं। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, धीमे आंच पर ये पक जाएगा। सब्जी बनते हुए दो तीन मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं। एक बार हम मटर चेक कर लेते हैं ये पकी है या नहीं। पूरी तरीके से ये पक गई है, बिल्कुल इजीली है पिचक गई, ये देख सकते हैं पूरी तरह से पक गई है। ग्रेवी को देख लेते हैं, ग्रेवी की थिकनेस ठीक है क्योंकि ठंडी होकर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सब्जी ठंडी होने देते हैं। सब्जी बनके हमारी पूरी तरीके से रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। इस पर डाल देते हैं थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया पत्ती। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।